हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज मैं जो ये भिंडी गंवार फली की जो बीज सीडलिंग की थी, उनके पौध आप देखो अच्छे खासे बड़े हो गए। तो अब मैं इनको, मेरे पास गमले नहीं है और जगह भी नहीं है और समय भी नहीं है अभी, तो इसलिए मैं इनको इस बार यहाँ मेरे छोटा सा लोन है उसी में लगा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, इसकी सीडलिंग्स में काफ़ी अच्छी जड़ें आ गई है, जो आप देख सकते हो नीचे से निकल रही है। तो पहले मैंने इसमें फ्रेंड्स अच्छे से इस ज़मीन को नरम कर दिया और फिर उसमें वर्मी कंपोस्ट, नीम खली और थोड़ा हल्दी पाउडर डाल दिया, क्योंकि और कुछ अभी मेरे पास है नहीं। फर्स्ट टाइम मैं ज़मीन में लगा रही हूँ। एक बार मैंने मटर लगाए थे जो अच्छे से लगे थे, तो 5 खड्डे करके इस गिलास के साइज़ का खड्डा कर लिया और फिर मैं इनको अब यहाँ लगा दूँगी। तो ये करने के लिए फ्रेंड्स, मैंने जैसे ये ज़मीन को नरम करके वर्मी कंपोस्ट, नीम खली और थोड़ी हल्दी डाली है। और ये जो मेरे जो पौध तैयार हुई है, आप देख सकते हो इनकी जड़ें ग्लास के नीचे से अच्छी खासी निकल गई है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने 28 फरवरी को सीडलिंग की थी, जो आज 13 तारीख है मार्च की, तो मेरी सीडलिंग तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी लगा रहे हो तो ऐसे लगा सकते हो। अब फ्रेंड्स, मैंने ये गंवार की भी लगा दी है, इधर मैंने भिंडी लगा दी है और अब मेरे को पानी देना है, जो मैं इस पाइप में ये फुहारा लगा के फिर दूंगी। अगर आप भी लगाते हो तो फ्रेंड्स फुहारे से ही देना है पानी, अदरवाइज क्या, जैसे मैंने एक हीरा के लगाया था ना, तो एक दिन जल्दी में मैंने इसे डायरेक्ट पाइप से दिया, तो आप देख सकते हो कि ये सूख गए, बड़े नाजुक होते हैं। तो इनको मैं एक दो दिन में गमला तैयार करके लगाऊंगी। और फ्रेंड्स, इधर मेरे मिर्ची की सीडलिंग भी तैयार हो गई है, तो इसकी अपडेट फ्रेंड्स मैं आपको आगे दूंगी। आप भी सब्जी लगाओ और ऑर्गेनिक सब्जी खाओ, ताकि पेस्टिसाइड्स का जो शरीर पर बुरा असर पड़ रहा है वो ठीक होगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।